दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एक इंडियन हैं और आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो कैसे आप एक इंडियन पासपोर्ट को रिन्यू कर सकते हैं कतर के अंदर में और क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए, क्या पासपोर्ट रिन्यू के लिए ऑनलाइन अप्लाई करनी पड़ती है या फिर नहीं करनी पड़ती है, सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वन बाय वन अब हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, पूरी चीज जो है आज के इस वीडियो हम आपको बताने वाले हैं बिल्कुल डिटेल से। दोस्तों अगर आपके पास में इंडियन पासपोर्ट है जिसको आप रिन्यू करना चाहते हैं, आपका पासपोर्ट जो है एक्सपायर होने वाला है आने वाले 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो आपको अपने पासपोर्ट को रिन्यू करनी चाहिए। आपको अपने पासपोर्ट को रिन्यू कर लेनी चाहिए क्योंकि अगर आपके पास एकदम क्लोज वक्त टाइम रहेगा तो फिर आपका पासपोर्ट रिन्यू होने में प्रॉब्लम होगा, आईडी कार्ड में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको जो है 6 महीना पहले या 5 महीने पहले भी आपको पासपोर्ट रिन्यू कर लेनी चाहिए। कैसे करेंगे आइए जानते हैं। तो दोस्तों अगर आप कतर में हैं और आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आपको पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए जाना पड़ेगा इंडियन एम्बेसी में। इंडियन एम्बेसी में आप जाएंगे और जाके अपने पासपोर्ट को रिन्यू कर सकते हैं और पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, वो होगी आपकी कतर की आईडी आपको लेना पड़ेगा जिसकी आपको जेरॉक्स कॉपी भी कर लेनी है और ओरिजिनल भी कैरी करनी है। उसके अलावा यानी आईडी कार्ड के अलावा आपको लगेगा पासपोर्ट का भी जेरॉक्स कॉपी कर लीजिएगा और साथ में ओरिजिनल पासपोर्ट भी ले लीजिएगा। उसके अलावा कहीं से भी फोटो खिंचवा लीजिएगा कतर में ही कहीं से और उसे कहिएगा हमें पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए फोटो चाहिए, तो 4 कॉपी फोटो भी आप ले लीजिएगा व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में, या फिर वहां पता कर लीजिएगा कौन सा बैकग्राउंड की फोटो लगती है पासपोर्ट के लिए रिन्यू के लिए। मेरे ख्याल में वाइट बैकग्राउंड ही लगती है फोटो, लेकिन फिर भी एक बार आप पता कर लीजिएगा। फोटो वाले जहाँ पर फोटो करवाएंगे उसे पता होता है, वो आपको हेल्प कर देगा। 3 चीज चाहिए आपको, एक तो चाहिए आपको आपका जो कतर की आईडी है उसे कॉपी कर लीजिए, जेरॉक्स कॉपी कर लीजिएगा और ओरिजिनल ले लीजिएगा, पासपोर्ट का जेरॉक्स कॉपी कर लीजिएगा और ओरिजिनल ले लीजिएगा, और थर्ड में आपको चाहिए फोटो कॉपी वो कैरी कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको अपने वाइफ का नाम को ऐड करनी है अपने पासपोर्ट में तो वो भी करवा सकते हैं। अपने वाइफ का जो शादी का जो सर्टिफिकेट है उसे बस दिखा दीजिएगा, सॉफ्ट कॉपी हो चाहे हार्ड कॉपी हो दिखा दीजिएगा, आपका वाइफ का नाम आपके पासपोर्ट में ऐड हो जाएगा। दोस्तों इंडियन एम्बेसी फ्राइडे और सैटरडे को बंद रहती है, तो फ्राइडे और सैटरडे को आप एम्बेसी मत जाइएगा, संडे से लेकर थर्सडे तक एम्बेसी खुली होती है। नॉर्मली सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक एम्बेसी ओपन होती है। आपको सुबह का टाइम जाना है, सुबह के टाइम ही जाके आपको डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देनी है और सुबह का टाइम ही वो डॉक्यूमेंट को लेती है। तो आपको नहीं जाना इस वीडियो में कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करनी चाहिए और एम्बेसी में इंडियन एम्बेसी का टाइमिंग क्या है ओपनिंग का। इसका जो एड्रेस है, इसका एड्रेस मैं ऑनलाइन देख पा रहा हूँ कि विला नंबर 86 एंड 90, स्ट्रीट नंबर 941 और अल एथरा स्ट्रीट जोन 63 ओनेजा पीओ बॉक्स 2788 दोहा कतर, जिसे मैं यहां पर लिख दूंगा जिससे कि आपको और इजी हो जाएगा। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा या फिर लिख के दे दूंगा जो एड्रेस यहां पे ऑनलाइन में शो हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। और बाकी जो है कई लोग कहते हैं कि भाई ऑनलाइन करना पड़ेगा, तो ऑनलाइन करने का मार्च से बंद कर दिया गया है। तो कितनी फीस आपको देना पड़ेगा अगर आप पासपोर्ट रिन्यू करने जा रहे हैं तो 300 कतरी रियाल आपको लगेंगे वहां पे फी के तौर पे। तो 300 कतरी रियाल आपको जमा करना है एम्बेसी में, जिस भी डेट को आप जाएंगे उसके 1 हफ्ते बाद में यानी 7 दिनों के अंदर में पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। मिलने के लिए क्या होता है कि कभी कभी जो है लोग भेज देते हैं, या तो आपको खुद एम्बेसी में जाना पड़ेगा, एम्बेसी जाने के बाद में आपको 7 दिन बाद में आप अपने पासपोर्ट को कलेक्ट कर सकते हैं। 7 दिन का टाइम देता है, हो सकता है 10 दिन 12 दिन भी कितना बार लग जाता है, बट नॉर्मली 7 दिन के अंदर में कहते हैं कि पासपोर्ट आपका रिन्यू होकर आ जाएगा। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूँ, जब आपका पासपोर्ट रिन्यू होकर आता है आपके पास में तो आपको जो कतर आईडी जो आपकी होगी वो आपको चेंज करना पड़ेगा, मतलब अपने कंपनी को बोलना पड़ेगा कि मेरी जो कतर आईडी है उसे चेंज कर दीजिए, मेरा पासपोर्ट रिन्यू हो गया है। सेकेंड चीज़ ये है कि आपके पास में अगर बैंक का एटीएम कार्ड है, डीपे कार्ड है जिसमें आपको सैलरी आती है, वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। 2 चीज़ करवा लीजिएगा, गेट पास अगर है, अगर रास्ता फान मिसाइल जहाँ भी आप काम करते हैं गेट पास का अगर है उसे भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो 2-3 चीज़ को जो है चेंज करना पड़ेगा, वो अच्छे से कंपनी वाले से मिलके बात कीजिएगा, उन लोगों को पता होता है आपको गाइड कर देगा, बाकी मैंने इस वीडियो में आपको गाइड कर दिया है। तो अगर आप पासपोर्ट रिन्यू करने का प्लान कर रहे हैं तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहा होगा, क्योंकि आज हमने आपको पूरी तरह से गाइड किया है कि पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस अफवाह मत रहिएगा या किसी के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना आपसे जो है 50-60 रियाल एक्स्ट्रा वो चार्जेस करवा देगा। 300 रियाल मैक्स टू मैक्स 300 रियाल लगता है और अपना डॉक्यूमेंट खुद से जाकर आप सबमिट कर सकते हैं इंडियन एम्बेसी में, और उसके बाद में 7 दिन बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। और डॉक्यूमेंट क्या कैरी करना है मैंने बता दिया है, अपने वाइफ का नाम ऐड करना है वो भी मैं बता दिया है। मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।